मैंने इसको खोल के चेक किया है लेकिन उसमें से सही तरह से सर्फ नहीं निकली। आज सुबह जो है वो बहुत ज़्यादा धुंध थी जिसकी वजह से आज पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त से ज़्यादा गर्मी थी, हबस वाली गर्मी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं ड्यूटी पर नहीं गया क्योंकि मेरी डे से नाइट में ड्यूटी शिफ्ट हो गई है, तो आज शाम को मैं ड्यूटी पे जाऊंगा तकरीबन 6-7 बजे, तो इसलिए फ़िलहाल रूम में हूँ। रात को सोया था लेकिन थोड़ा सोया था और अभी बस नाश्ता करके अभी सोने लगा हूँ, तो नींद तो वैसे नहीं आएगी क्योंकि आदत नहीं है दिन के टाइम सोने की। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट जो होगा व्लॉग वो सोने के जब सो के उठूँगा उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगा। आपके साथ एक बात शेयर करूं, हमारे मुल्कों में जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या अफगानिस्तान या एशिया के जो मुल्क हैं वहाँ पे जब धुंध पड़ती है तो अक्सर सर्दियों के दिनों में पड़ती है और उस दिन ठंड भी ज़्यादा होती है, लेकिन ये अरब ममालक हैं जो ख़ासतौर पे, दूसरे ममालक का तो मुझे नहीं पता लेकिन दुबई में ख़ासतौर पर जब धुंध पड़ती है तो वो गर्मियों में पड़ती है और जिस दिन धुंध पड़ेगी और उस दिन उतनी ही ज़्यादा गर्मी होगी, तो हबस वाली गर्मी होगी। तो आज भी यही कंडीशन है, आज भी धुंध आई है तो आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और हबस वाली गर्मी होगी यकीनन, ये देख सकते हैं आप। फ्राइडे को मुझे छुट्टी नहीं थी वरना फ्राइडे को मैं कपड़े धोता, तो आज दिन के टाइम में फ्री टाइम मिला मुझे तो इसलिए मैंने सोचा चलो कपड़े धो लूँ। तो बस अभी कपड़ों को भिगो के रखूँगा, उसके बाद कपड़ों को धो लूँगा। ये हमारा दोस्त नई नई शादी करके आया है तो सुबह सुबह शुरू हो जाता है। दोस्तों, कपड़े जो भिगोए थे वो मशीन में डाल के आया हूँ और अब लेने जा रहा हूँ, धुल गए होंगे। तो ये ज़िंदगी है हमारी। दोस्तों, जो कपड़े मैंने भिगोए थे मशीन में डाले थे धुल गए हैं, अब इनको जाके सूखने के लिए डालूँगा। मैंने इसको खोल के चेक किया है लेकिन उसमें से सही तरह से सर्फ नहीं निकली, तो अब इसको दोबारा टाइमिंग पे लगाया है, तो अभी ये आधे घंटे के बाद फिर आऊँगा इनको लेने के लिए, तो अभी के लिए फिर जाना पड़ेगा वापस। दोस्तों, आज बहुत गर्मी थी सुबह के टाइम में और सुबह, ये दुबई का ये सिस्टम है कि यहाँ पे धुंध अगर आएगी सुबह के टाइम तो समझ ले कि उस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। आज सुबह जो है वो बहुत ज़्यादा धुंध थी जिसकी वजह से आज पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त से ज़्यादा गर्मी थी, हबस वाली गर्मी थी। बस एक मिनट के लिए बाहर चले जाएं तो ये देखिए पसीना आ जाता है, पसीना ही पसीना, बहुत गर्मी है। दोस्तों, फाइनली ड्यूटी में जाने के लिए रेडी हो गया, बस अब गाड़ी का इंतज़ार है, गाड़ी वाला नीचे आएगा तो फिर मैं ड्यूटी पे चला जाऊँगा। तो आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म और इंशाल्लाह कल फिर कोई नया व्लॉग लेके आपके लिए हाज़िर होंगे और देश प्रदेश के बारे में, प्रदेश के बारे में जो जो हम प्रदेशियों पे गुज़रती है, जो दिलों में बातें होती हैं वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा ताकि आपको भी पता चले कि प्रदेश में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी किस तरह गुज़रती है। तो ओके जी, अब मुझे दें इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।